अंडा है, साथ में शलजम गोश्त है, चाय है, दही है, मीठी लस्सी है, पराठा है, साथ में जो है खीर है। तो जी आज 17वीं शहरी के जो है यहाँ पे माशाल्लाह बुजुर्गों को एक कचरा समझे, वही कचरा घर से निकाले, बेकार हो गए माँ बाप। आए सब चीजें मिल जाती हैं लेकिन माँ बाप भी मिल जाते हैं, बीवी के जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने हो जाते हैं। बोल बंदा किसका तेरा, जो बात किया ना कि बोल बंदा किसका है, बंदे का मतलब है बेटा। बेटा अपनी माँ का है या बीवी की माँ का है, मतलब ये था कि बोल बंदा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, इस रमजान अपनी ज़कात अतियात में बिंदे फातमा ओल्ड होम कराची लाहौर इस्लामाबाद की माँ को जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी असद, मैं इस वक्त बिनते फातमा ओल्ड होम के किचन में मौजूद हूँ। इस वक्त जो है 17वीं शहरी के जो है वो माशाल्लाह यहाँ पे मामला चल रहे हैं। फरजाना माँ जो है यहाँ पर मौजूद हैं और ज़बरदस्त जो है यहाँ पे ताज़े एग बन रहे हैं, उसके साथ और क्या क्या आज दुआज़मात में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, आपको 17वीं शहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से जो है ये बुढ़ापा मुश्किल हो जाता है, यकीन करें, अगर अपनों के बगैर हो। अपने हो तो दिलासा दे दें, हिम्मत आ जाती है थोड़ी सी, और अगर अपने ही जो है वो यकीन करें तन्हा कर दें तो कितना मुश्किल है, ये थोड़ा सा जरा मुझे मैसेज दीजिएगा। 17वीं शहरी बकरत के अशरे की आप सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, तो मुझे बताइएगा एक तो सबसे पहले खाने में क्या है आज शहरी में क्या है, फिर मैं आपसे मैसेज भी लाजमी लूँगा कि कितना मुश्किल हो जाता है बुढ़ापे में, यकीन करें जब अकेला हो जाए कितना मुश्किल है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। खाने में शलजम गोश्त है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। साथ में अंडा बनाया है सिंपल साना। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। साथ पराठे हैं, चाय है, खीर है। औलाद अच्छी हो, औलाद फरमाबरदार हो, माँ बाप कभी बुरा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है, उनको जवान करने वाली उनकी औलाद है। बेशक, क्योंकि जब बच्चों को जवान माँ बाप करता है, स्पेशल माँ जो होती है, माँ जवान करती है औलाद को, तो माँ बाप बुढ़ापे में जवान क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता, खुश होगा और वो आपको दुआएं देंगे। बेशक, बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है साथ में जवान हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, कभी बुरा ना समझो, बुरा ना समझो, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी, अकेला नहीं करो। बिल्कुल, 17वीं शहरी की जो है वो यहाँ कटोरियाँ बन रही हैं माशाल्लाह, इसमें जो है वहाँ पे जो है शलजम गोश्त है और साथ में खीर है, साथ में जो है ऑमलेट भी वहाँ पर बन रहे हैं, चाय है, लस्सी अभी मैं आपसे शेयर करूँगा, जो इनको जो है वो सर्व भी जो है वो करना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। मीठी माँ के लिए जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो खीर है माशाल्लाह जी। तो यहाँ पर जो है फ़लाना माँ जो है इनकी जो है वो जो कटोरियाँ जो है मीठी जो है वो बनाती जा रही हैं माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जो है ये बनती भी जा रही हैं, क्या बात है, इसमें जो है ऊपर क्या, अच्छा इसके ऊपर जो है ये अच्छा स्प्रिंकल कर रहे हो, ओह माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह, क्या बात है। तो जी मीठी माँ के लिए जो है आज मीठे में जो है वो खीर है, 17वीं जो है वो शहरी में माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाद में जो है इनकी ट्रे भी जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं, इस वक्त जो है 17वीं शहरी के जो है वो मामला यहाँ पर चल रहे हैं, इनकी जो है वो ट्रे यहाँ पे मुकम्मल हो रही हैं, साथ साथ में कोई अगर कमी पेशी है तो वो भी जो है वो मुकम्मल की जा रही है। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ आज इस 17वीं शहरी में जो है अंडा है, साथ में शलजम गोश्त है, चाय है, दही है, मीठी लस्सी है, पराठा है, साथ में जो है खीर है। तो जी आज 17वीं शहरी के जो है यहाँ पे माशाल्लाह ट्रे सब जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो बस जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बिनते फातमा में जो जो लोग यहाँ पर अफ्तारियाँ सहरियाँ उनका इनकाद कर रहे हैं, चले अगर इनके अपने नहीं कर रहे तो वही जो है अपने बन के जो है इनके मामला जो है वो कर रहे हैं। अल्लाह बेपनाह उनके रिज़्क़ में माल बेपनाह बरकत दे। दिन तो गुजर ही जाने हैं, रोज़े भी गुजर ही जाने हैं, रमज़ान भी गुजर ही जाना है, लेकिन जो है कि जो आप नेकियाँ जो जो आप जो है वो लेंगे उसका अजर वो आपको जाता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये ट्रे भी जो है सर्व करेंगे इंशाल्लाह, साथ जो है माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यहाँ पर खैर मुबारक आपको खैर। ये जी हमारी सब माएँ हैं जो माशाल्लाह इस वक्त जो है सहरी के जो है उसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सब लोग जो है इनकी सहरी सर्व कर दी गई, सहरी मज़ेदार है माशाल्लाह जी, क्या बात है ज़बरदस्त। बुजुर्गों को एक कचरा समझे, वही कचरा घर से निकाले, बस हम ही हम हैं, हम तो बुढ़े कभी होएंगे नहीं, हमारे को बुढ़ापा आएगा ही नहीं, बस वो सोच के ना वालदान को दूर कर देते,
हाँ इग्नोर कर देते हैं, सही बात है। अल्लाह हमको नेक की दे। आमीन आमीन। अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी कि वो माँ बाप की इज्जत करें, नहीं है हमारी किस्मत में, बेकार होगा माँ बाप। यही बुजुर्गों की कदर करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी कदर करें। सब चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन माँ बाप उनकी इज्जत करें, कदर प्यार करें, माँ बाप। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर वो कभी भी जो है ज़ईफ़ नहीं होते जो है जी। माँ बाप भी मिल जाते हैं, बीवी के जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने हो जाते हैं। क्या कह रही हैं? बीवी के माँ बाप होते हैं ना वो उनके अपने बन जाते हैं, अपने बेटे की माँ होती है ना वो कैद हो जाती है, बीवी की माँ होती है वो उनके अपनी हो जाती। गोल बंदा किसका? कैसी आज की सहरी? अच्छी है, मीठा सही है। आफरीन बाजी, ऐसा तो नहीं होगा कि अब आप बोलेंगे यही सहरी रोज हो? आज ना आज तो खीर ही बड़ा मीठा मिले। तो जी मुस्कुराहट भी चल रही होती हैं आज आज। आमीन आमीन। आफरीन बाजी कैसी है आज खीर? देखिए जी सुबह सुबह जो है वो सहरी में, हाँ दिल यही चाहता है कि बस ये लोग खुश रहें बस किसी तरह से जो है। तो आफरीन बाजी मीठा ज़बरदस्त है, चलें अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह। इस तरफ भी जो है सब लोग जो है वो सहरी कर रहे हैं इस वक्त। बिनते फातिमा ओल्ड होम में जो है 17वीं सहरी के जो है यहाँ पे मनाजिर हैं, और यकीन करें आपस में जो है हंसते भी हैं और उसके अलावा जो है वो नाराज़ भी, बस उदास भी जाते हैं कभी कभी याद करके। उन्होंने जो बात किया ना कि बोल बंदा किसका है, बंदे का मतलब है बेटा अपनी माँ का है या बीवी की माँ का है। मतलब ये था कि बोल बंदा किसका है, जब शादी होती है ना शादी से पहले वो अपने माँ बाप का होता है, शादी के बाद वो बीवी के माँ बाप का हो जाता है, तो उनको हाथ लगे हुए हैं ना, तो उन्होंने ये कहा है कि बोल बंदा किसका है, 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 है। अल्लाह बड़े खास है। तो बस यही है कि खुशियाँ दो अपने बुजुर्गों को, अपनी औलादों को सिखाओ, जो आप करोगे जो हम करेंगे ना हमारे बच्चे वही सीखेंगे, कल को हम अपनी लालच में करें ना यही कर लें, ये सोच के कर लें कि हमारा फ़ायदा है, हम जो जिस तरह हम लोग बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाते हैं, बाई भेजते हैं और तरबियत भी अच्छी तालीम है। आपको भी हलवा पसंद है मीठे में आफरीन बाजी की तरह? अच्छा आफरीन बाजी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सिर्फ उनसे हाँ बिल्कुल, मैंने उनको सिर्फ ये पूछा कि आपको मीठा पसंद है आफरीन बाजी की तरह, तो आप सब लोग मुस्कुराना शुरू हो गए हैं। भाई ये क्या बात है भाई, आफरीन नंबर वन पे है ना, हम ये बात सही है। तो बस दिल ही चाहता है लोग मुस्कुराते रहे, तो आपको मीठा पसंद है? चले बोल बंदा किसका, कि किस तरह से जो है वो माएँ सब देख रही होती हैं कि जी कि जो औलाद है या जो बच्चे हैं वो इस आ जाते हैं, इस दहाने पे आ जाते हैं कि ये पूछना पड़ जाता है कि अब ये बंदा किसका है। मेरी आपसे गुजारिश है खुदारा बुढ़ापे में अपने वालदैन को अलहदा मत कीजिए, अकेला मत कीजिए, तनहा मत कीजिए, इनको भी बुढ़ापे में जवान रखना भी हमारा काम है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, इस रमज़ान अपनी ज़कात अतियात में बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची लाहौर इस्लामाबाद की माँ को ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर।